सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। तुसी वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नजर अज दीआं मुख सुर्खियां ते। जम्मू कश्मीर च केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वड्डा ऐलान, सूबे विच दो बार मिलणगे मुफ्त सिलेंडर, बच्चों नूं मिलणगे लैपटॉप। दिल्ली मुख्यमंत्री बनने तो बाद आतिशी का पहला बयान, कहा केजरीवाल नूं दोबारा बनाना है सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे न्यूयॉर्क, आज के मेगा इवेंट लिए 25,000 तो वध लोग हुए रजिस्टर्ड। पीएम मोदी दे कई देशों के प्रमुखों नाल हुई बैठक। हुण खबरां विस्तार नाल। जम्मू कश्मीर विच चोणां दे मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वड्डा ऐलान कीता है। एक चोण प्रोग्राम विच उन्हां ने मुस्लिम त्यौहारां ते मुफ्त गैस सिलेंडर देण दी गल कीती सी। अमित शाह मेंढर विच चोण रैली नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हां कहा कि भाजपा दे मता पत्र तहत हर घर दी बजुर्ग औरत नूं 18,000 रुपए सलाना दिते जाणगे। मुहर्रम ते ईद दे मौके ते दो गैस सिलेंडर मुफ्त दिते जाणगे। किसानां नूं हुण 6,000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए दिते जाणगे। इस तों इलावा खेतीबाड़ी दे बिजली बिल विच 50% की कमी आवेगी ते 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। अमित शाह ने पुंछ राजौरी विच सैर सपाटे नूं उत्साहित करन लई जम्मू विच मैट्रो बनाउण, तवी नदी दे नाल इक रिवर फ्रंट बनाउण अते पहलगाम वर्गे कस्बे नूं विकसित करन वर्गे होर वादे वी कीते। अते उन्हां कहा कि असी फायर फाइटर्स लई 20% कोटा देवांगे अते नाल ही जम्मू कश्मीर विच 5,00,000 सरकारी नौकरियां देवांगे। दूर दुराडे दे बच्चियां नूं लैपटॉप अते टैबलेट भी दित्ते जाणगे। इस दौरान शाह ने विरोधी धिर ते वी हमला बोलिया। मुख्यमंत्री दी सहुं चुकण तों बाद आतिशी दा पहला बयान सामने आया। उन्हां कहा कि केजरीवाल नूं मुड़ तों मुख्यमंत्री बनाउणा है। इस मौके आतिशी ने अपने गुरु अरविंद केजरीवाल दा धन्नवाद कीता ते कहा कि उन्हां ने वड्डी जिम्मेदारी दित्ती है जिस नूं मैं दिल तों निभावांगी। इस दौरान आतिशी ने बीजेपी ते वी शब्दी हमला कीता ते कहा कि अरविंद केजरीवाल नूं झूठे केस विच फसाया गया सी ताकि दिल्ली दीआं सारीआं मुफ्त सेवावां नूं बंद कर दित्ता जावे। आतिशी ने कहा कि हुण ओह रल के बीजेपी दी साजिश नूं नाकाम कर देणगे। इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती है। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में
ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए ने, जिथे ओ संयुक्त राष्ट्र महासभा विच इक सम्मेलन नु संबोधन करनगे। इस तो पहला 21 सितंबर नु ओ फियाडेल्फिया विच क्वाड लीडर समिट विच शामिल होए सन। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापानी प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा अते आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनाइज नाल वी टूकिंग गलबात कीती। उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज न्यूयॉर्क दे लोंग आइलैंड विच भारतीय भाईचारे नु संबोधन करनगे। इस तो बाद ओ अगले दिन 23 सितंबर नु संयुक्त राष्ट्र महासभा विच समिट ऑफ द फ्यूचर प्रोग्राम नु भी संबोधन करनगे। न्यूयॉर्क विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा गर्मजोशी नाल स्वागत कीता गया। प्रधानमंत्री ने उत्थे भारतीय लोकां नाल वी गलबात कीती ते उन्होंने मोदी मोदी दे नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी दा प्रोग्राम भारतीय समय अनुसार अज रात नूं होणा है, जिस विच हिस्सा लैण लई 25,000 तों वध लोकां ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अपने 3 दिन अमरीकी दौरा दे हिस्से वजों प्रधानमंत्री मोदी स्थानक समय अनुसार 22 सितंबर नूं लोंग आइलैंड दे नसाओ वेटर्स मेमोरियल कोलिजियम विच प्रवासी भारतीयां नाल मुलाकात करनगे। इस प्रोग्राम नूं मोदी एंड अमेरिका प्रोग्रेस टूगैदर नां दा दित्ता गया है। अमृतसर च अज सवेरे हैरिटेज स्ट्रीट दे एएसआई अश्विनी कुमार तो पिस्तौल खो के अनपछाते श्रद्धालु ने अपने आप नूं गोली मार ली। दस्या जा रहा है कि अश्विनी कुमार एनएस शेखावत जज हाईकोर्ट की पायलट कार विच तैनात सी, जो हरिमंदर साहब मत्था टेकन गया सी ते पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्थी मौके ते पुजे एसीपी गगनदीप सिंह ने मीडिया नूं दस्या कि फिलहाल साडे वल्लों जांच की जा रही है, पता नहीं चल सकिया कि ओह श्रद्धालु कौन सी जां कित्थों दा रहण वाला सी ते उस नूं गुरु नानक देव अस्पताल विच जेरे इलाज भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह भी जांच की जा रहे कि किस दी पिस्तौल दे नाल गोली चली है, फिलहाल पता नहीं चल सकिया कि साडी टीमां लगियां होईयां ने ते जांच कर रहीआं ने। सूत्रां दे हवाले तो पता लगा है कि उस व्यक्ति दी मौके ते ही मौत हो गई सी। जिला फतेहगढ़ साहब विच पिछले कई दिनों तो घूम रहे तेंदुए नाल दहशत दा माहौल बनिया होया सी, परंतु मोहाली रेंज दे जंगलात विभाग दी टीम वल्लों रेस्क्यू करदिआं होया खमाणो दे पिंडां विच घूम रहे तेंदुए नूं आखिरकार काबू कर लिया गया। पिछले 2 दिनों तो तेंदुआ फतेहगढ़ साहब दे खमाणो ते पिंडां विच घूम रहा सी, जिस नूं लै के लोकां विच काफी सहम पाया जा रहा सी। गगड़वाल पिंड विच इकट्ठे होए पिंड वासियां ने तेंदुए नूं भजाउण दी कोशिश कीती, जिस दी वीडियो भी सामने आई है। इत्थे ही बस नहीं, इक होर पिंडां विच भी तेंदुआ दरख्तां उत्ते चढ़दा वेख्या गया ते पिंड दे लोकां दा कहना है कि तेंदुआ पिंड गगड़वाल बुरज सुहावी सिद्धपुर कलां सिद्धपुर खुरद ते पिंड अमराली दे एरिए विच घूमदे होए वेख्या गया सी। मोहाली रेंज नाल संबंधित जंगलात विभाग दी टीम नाल मिलके पिंड अमराली ते सिद्धपुर दे लोकां ने तेंदुए नूं काबू कर लिया। जंगलात विभाग दे वन रेंज मोहाली दे इंचार्ज बलविंदर सिंह ने दस्या कि रेस्क्यू विच समुचे लोकां दा साथ देने दे धन्नवाद कीता है ते जंगलात विभाग दे अधिकारी बलविंदर सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों तो वक्त-वक्त टीमां बना के इस तेंदुए दी भाल कीती जा रही सी, जो आखिरकार जिला फतेहगढ़ साहब दे नाल लगदे जिले रोपड़ दे पिंड अमराली तो रेस्क्यू दौरान काबू कर लिया गया ते इस नूं चिड़ियाघर विखे भेज दिता गया है।
जलंधर पठानकोट नैशनल हाईवे टांडा उड़ मुड़ चाजा चौंक एक्सीडेंट होया। जानकारी मुताबिक ट्रक अते टिप्पर विचकार भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिस विच ट्रक सवार दो व्यक्ति अते टिप्पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप विच जख्मी हो गए, जिन्हां नूं तुरंत सुरक्षा फोर्स के जवानां ने सिविल अस्पताल टांडा विखे पहुंचाया, जिथे ओह जेरे इलाज ने अते तिन्हां विचों दो दी हालत ठीक पाई जा रही है अते इक दी हालत नाजुक नूं वेखदियां सिविल अस्पताल टांडा तों हुशियारपुर रैफर कर दिता गया। पुलिस ने इस भयानक हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजपुरा बनूर रोड प्राइम सिनेमा हाईवे ते एक बार फिर सड़की हादसा वापरिया। राजपुरा तो प्राइम सिनेमा मोड़ मुड़द्या डिजायर गड्डी दे पिछे दो ट्रक आपस विच भिड़ गए ते अगले ट्रक दे पिछले पासे ट्रक वजन करके ड्राइवर बुरी तरह ट्रक विच फस गया। रागीरां ने बड़ी ही मुशक्कत नाल ड्राइवर नूं बाहर कढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचाया। रागीरां ने कहा कि इस यूटर्न करके दर्जना गड्डियां एक महीने दे विच नुकसानियां गईयां ने ते मौतां भी हो चुकियां ने। प्रशासन कुंभकर्णी नींद सुता पिया है। जिला गुरदासपुर के कस्बा कानूवान के नजदीक तुगलवाला तो चक शरीफ रोड से पेंदे पिंड बलवंडा विखे पेंदी सेम ड्रेन उपर पुल की मुड़ उसारी करन दे काम दा नींह पत्थर मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान की योग अगवाई हेठ हरभजन सिंह लोक निर्माण विभाग और बिजली मंत्री के यत्ना सदका एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवा चेयरमैन जिला प्लैनिंग बोर्ड ने किया। इस मौके से उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह पुल जो पिछले लंबे समय तो भारी बरसातों कारण डिग पिया सी इलाके की मंग से इस पुल के करीब 2,20,00,000 रुपए की लागत नाल तैयार किया जाएगा। इस नाल ही करीब 51,19,00,000 के होर विकास कामों का अज उद्घाटन कर जा रहे हैं, जो यह काम अज तो ही शुरू हो जाएंगे। दमदमी टकसाल के 16वें मुखी मानयोग संत ग्यानी हरनाम सिंह खालसा भिंडरांवाले प्रधान संत समाज की समूह रहनुमाई हेठ चल रहे विद्यक अदारे संत ग्यानी गुरबचन सिंह जी खालसा अकैडमी मेहता चौंक विखे सीबीएसई नॉर्थ जोन 2 हॉकी चैंपियनशिप 24 दियां खेडां दा आगाज अज कर दिता गया। इस चैंपियनशिप विच वक्रे वक्रे सूबियां दे कुल 85 स्कूलां दियां हॉकी टीमां खालसा अकैडमी विच खेडण लई आ गईयां ने। इह खेडां 21 सितंबर तों लैके 24 सितंबर तक खालसा अकैडमी दियां ग्राउंडां विच खेडियां जाणगियां। आईयां होईयां टीमां दे बच्चियां अते कोचां दे रहिण सहिण अते खाण पीण आदि दा प्रबंध खालसा अकैडमी विच कीता गया। खेडां दी शुरुआत करन तों पहलां खिडारियां ने मार्च पास करदियां स्टेज उत्ते दमदमी टकसाल मौके संत ग्यानी हरनाम सिंह खालसा ते होर पतवंते मेहमानां नूं सलामी दित्ती। संत ग्यानी हरनाम सिंह खालसा भिंडरांवालियां ने इस मौके ते बच्चियां नूं खेडां विच खालसा अकैडमी दीआं प्राप्तियां बारे विस्तार नाल दस्सदियां आए होए मेहमानां ते वक्रे वक्रे स्कूलां दे कोच साहिबानां दे विद्यार्थियां दा तहे दिलों धन्नवाद कीता। अमृतसर जिले के पिंड उमरा नंगल विच मेला ट्रस्ट की अहम मीटिंग आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल की अगवाई विच हुई। इस मौके पंजाब के चोटी के अदाकार ते मेला कमेटी के बुलारे होबी धालीवाल समेत कई नामवर शख्सियतां मीटिंग विच पुजियां। इस मौके धर्मराज सिंह ते उमरा धर्म नंगल ने पिछले कुछ साल किसी न किसी हालत विच करके मेला नहीं करवाया जा सकिया, पर इलाके के लोगों वालों लगातार यह मंग की जा रही थी कि मेला उमरा नंगल विच मुड़ करवाया जाए। इस करके ट्रस्ट ने फैसला किया कि इस बार मेला मुड़ करवाया जाएगा। इस मौके ते रोजा मेले दौरान एक दिन कबड्डी दियां फेडरेशन दे मैच करवाए जाणगे ते दूजे दिन सभ्याचारक मेला करवाया जाएगा, जिस विच पंजाब दे नामवर गायक हाजिर होणगे। सत श्री अकाल, असीं अज बहुत चिरां बाद उमरा नंगल खेड मेले नूं लै के फिर एकत्र होए हां। इलाका निवासी सज्जन स्नेही साडे क्लब दे मैंबर साहिबान ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲਾ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਾੜੀ ਬੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਭਰੂਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ। ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ
मेले वास्ते असी नवंबर का हीरला हफ्ता चुने क्योंकि बहुत चिरां बाद कट्ठे हुए हैं तो बहुत छोटी मीटिंग सी सारे दे सुझा ले गए हैं। सो जिमें जिमें सीनियर साढ़े मैंबर साहबान हुक्म देंगे साढ़े वड्डे बजुर्ग साढ़े उवें करांगे पर नवंबर का अखीरला हफ्ता रखांगे। एक दिन अकैडमियां खेडणगियां नॉर्थ फैडरेशन दियां सरदार सुरजन सिंह चट्ठा होना की रहनुमाई च और दूसरे दिन सभ्याचारक मेला होएगा। दमदमी टकसाल के मुखी ते संत समाज के प्रधान संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा वालों पिंड मैता अते संत गुरबचन सिंह नगर दियां दोवें पंचायतों की सर्वसम्मति नाल चोण करवा देने तों बाद ए दोवें पिंड बिना किसी वाद विवाद के सर्वसम्मति नाल पंचायत चुनण वाले पंजाब के पहले पिंड बन गए ने। अज इत्थे दमदमी टकसाल के हैडक्वार्टर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे दोवां पिंडां दे मोहतबर सज्जन मौजूद सन जिन्हां दी राय लैण तों बाद संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने पिंड मैता तों इकबाल सिंह शाह ते संत गुरबचन सिंह नगर तों रिटायर्ड डी एस पी कुलवंत सिंह नूं सरपंच ऐलान दिता गया। इस दौरान दोवां नगरां तों आई संगत ने इकमुठता दे नाल जयकारे गजा के इस सरबसम्मति नूं प्रवान किया ते उपरांत संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा ने दोवां सरपंचां नूं सरोपा दे के सन्मानित किया ते संगत नूं वधाई दित्ती। ज्ञानी खालसा ने बिना किसी पक्षपात के पिंडां दा विकास कराउण अते नशे के खात्मे लई विशेष उपराले करन लई आख्या। उन्हां पंजाब के होरनां पिंडां दे लोकां नूं आपसी सहमति नाल पंचायतां नाल चोण लई कहा तां जो भाईचारक सांझ बरकरार रह सके ते पिंडां दा बहुपक्खी विकास करवाया जा सके। दमदमी टकसाल के हैडक्वार्टर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे एकत्र होए सारे नगर ने बड़े प्रेम के नाल सरबसम्मति दे नाल नगर मेहता के सरपंच सरदार इकबाल सिंह जी शाह चुनने की प्रवानगी दी और महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा नगर मेहता के सरपंच सरदार कुलवंत सिंह डिप्टी सरदार कुलवंत सिंह जी ने इन्हां नूं उस नगर की सरपंची की सेवा नूं चुनन की सेवा दित्ती गई अधिकार दिता गया। इसलिए मैं सारे नगर की संगत का इलाके की संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। गुरदासपुर विखे एक्साइज विभाग ने पुलिस के सहयोग नाल देर रात दीना नगर के रेलवे रोड तो दुकाना की आड़ शराब बेचने वाले खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस और एक्साइज विभाग की इस सांझी रेड दौरान 81 बोतल अंग्रेजी और 87 बोतल देसी शराब ठेके दियां बरामद कीतियां ने। दीना नगर थाने एक्साइज एक्ट के तहत दो लोगों मनीष कुमार वासी बेरिया मोहल्ला और संजीव कुमार वासी गुजरा गली दीना नगर खिलाफ मामला दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान दीनानगर सर्कल के ठेकेदार दविंदर सिंह भी हाजिर सन। जानकारी देंदे एक्साइज इंस्पैक्टर जतिंदर सिंह ठेकेदार दविंदर सिंह ने दसिया कि उन्होंने काफी समय तो सूचना मिली सी कि रेलवे रोड से स्थित एक्साइज विभाग के ठेके के नेड़े ही दुकाना की आड़ विच एक व्यक्ति मनीष कुमार शराब बेचने का धंधा करता है। सस्ते रेट से कितों बाहरों शराब लिया के ठेके नालों थोड़ी सस्ती करके बेचता है जिससे दीनानगर पुलिस के सहयोग नाल इस दिन दुकाना से रेड की गई। मौके विच जो नेड़े की हवेली विच लुकाई गई 81 बोतल अंग्रेजी जिन्हां विचों 37 बोतल रॉयल चैलेंज 44 बोतल मैकडावल नां दी अंग्रेजी शराब दियां ने 87 बोतल पंजाब किंग ब्रांड दियां बरामद कीतियां गईयां। पुलिस वल्लों इस मामले दी जांच जारी है। शराब दा बड़े पुराने समय तों धंधा कर रहा उहदी इनफॉर्मेशन सानूं मिली ते अज असीं इत्थे रेड कीती आ ते जिहदे विच सानूं काफ़ी मात्रा दे विच अंग्रेजी शराब मिली है। मैकडावल दियां 44 बोतल आर सी दियां 37 ते क्लब 87 हैगियां। ये वख-वख ब्रांडां दियां इहदे तों जिहड़े होलोग्राम स्टिकर वगैरह लाए हुए आ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਨ ਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਰਮਦਾਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਢਾਂਡੇ ਲਾਲੇ ਨੰਗਲ ਚੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਡੋਂਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਰਮਦਾਸ ਚੌਥ ਦੇ ਮੇਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਮਦਾਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਡੇ
सिख संगत से कृपा कर सानू अपने सिद्धांतों में जोड़न साडी नौजवानी नशियां तो बचाउण साडे लीडरां नू समत बख्शन कि असीं एक हो के अपनी कौम की चढ़ती कला दे काम कर सकीए ते इहो ही साडी कामना है जी इहो ही गुरु महाराज दे चरण च अरदास कीती है। भाई साहब मीडिया में कल दी खबर आ रही सीगियां भी भाई साहब ना साथी जिहड़े दूर हुंदे जा रहे नहीं वो चलो जी कई बार किसी वे कुछ किसी की मजबूरी बन जाती है जो कुछ गल लेकिन तो बहुत तार च यह है कि नाल ही उन्होंने सारे इन संगत उन्होंने नाल है जी किसी वे बहुत बहुत कौम चढ़ती कला च है जी। तो हुण जांदे आंदे एक नज़र अज के मौसम के हाल से फिलहाल पंजाबी खबरां विच इन्ना ही नवीआं ते ताज़ा खबरां लैके फिर तो हाज़र होवांगे। तद तक लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी।